पटना का प्लानिटोरियम बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आएगा। जमीन जो है ना, जैसा मंगल ग्रह की है उसी तरह की इसको बनाया गया। विक्रम लैंडर यहाँ पे आप देख सकते। हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, द स्टोरी ऑफ सनलाइट। मैं अभी खड़ा हूँ पृथ्वी के नीचे, ये मैं आगे चल रहा हूँ। अंतरिक्ष का पत्थर है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, उसने बिहार में गिरा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के प्लानिटोरियम में, या फिर यू कहें कि ब्रांड न्यू तारामंडल में, जो बन करके फाइनल तौर पे तैयार हो चुका है। बनने का सेंस ये था कि इसका रिनोवेशन हुआ है, पहले से बना हुआ था, बहुत दिन से बंद था, पुराना हो चुका था, लेकिन अब ये पूरी तरह से रिनोवेट होकर के नए तौर पर तैयार कर दिया गया है। क्या कुछ है इस तारामंडल में, आज इसका उद्घाटन हो गया है, और इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं अभी कि क्या कुछ अंदर है। सो गाइस, जैसे ही इसके आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्रदर्शनी स्थल मिल जाता है, यानी कि ये एग्जीबिशन एरिया है, जहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि तारामंडल जो ये वाला पटना का प्लानिटोरियम है, ये पहले कैसा था और बनने के बाद ये कैसा हो चुका है। इस साइड में आते हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं जो कि आपको दिखाएंगे, एग्जीबिशन एरिया में इसकी लगी हुई हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये जो तारामंडल था ये पहले वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये इसके काम करने के बाद पहले और पुनर्निर्माण यानी कि रिनोवेशन और पहले की तस्वीर भी यहाँ पर आपको लगी हुई है। फिर से रिनोवेट होने के बाद ये इस तरह का दिख रहा है अभी। और अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं जहाँ पे स्काई थिएटर है, आसमान की पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है, जिसमें कि आपको सितारे देखने को मिलेंगे, अपने सोलर सिस्टम को देखने को मिलेगा, उसके बाद गैलेक्सी को भी, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये है स्काई थिएटर जाने का रास्ता। जैसे आप स्काई थिएटर की तरफ आते हैं तो ऊपर आने के बाद यहाँ पे स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी मिल जाती है, जहाँ पर आपको स्पेस से जुड़ी हुई सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, अर्थ से जुड़ी हुई, यूनिवर्स से जुड़ी हुई हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हम लोग जब बचपन में यहाँ पर तारामंडल में आया करते थे तो चीज़ें ऐसी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल अब तारामंडल चेंज हो चुका है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो तारामंडल बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आएगा। पटना का प्लानिटोरियम एक जान मिल गई इसको नई वाली, और भी दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसा कैसा है, क्या कुछ बदला है। काफ़ी अलग अलग सेक्शन देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। हम लोग वहाँ से स्काईलाइन थिएटर के बाद आगे बढ़े तो एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस सेक्शन में एक और सेक्शन है, जिसमें है कि ब्रह्मांड का मापन, किस तरह से चीज़ें बदल रही है ना यहाँ पे, वो सारा कुछ देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो अब जब आप आएंगे पटना प्लानिटोरियम घूमने के लिए तो आपको पहले जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ से जैसे कैमरा भी शिफ्ट होगा तो गाइस इस साइड में कुछ नया ही देखने को मिलता है। हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, कैसे यूनिवर्स की शुरुआत हुई, वो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। बताया गया है कि आकाशगंगा क्या है, व्हाट इज द गैलेक्सी, ये पूरा डेफिनेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चित्र के माध्यम से यहाँ पर वो सारा कुछ लिखा गया है। मिल्की वे लुक लाइक, कैसा दिखता है आकाशगंगा, ये यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अंदर देखिए आप, बिल्कुल ही पूरी तरह से एनिमेटेड है, जिसमें कि आप देख करके समझ भी सकते हैं। ये देखिए, ये ग्रेविटेशनल लेंस कुछ ऐसा दिखता है। व्हाट आर द स्टार्स, तारे क्या होते हैं, वो यहाँ पर आपको देख करके आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग स्टार्स की बात कर रहे थे, हम लोग आकाशगंगा क्या होती है वो समझ रहे थे, कैसे ब्लैक होल काम करता है वो सारा कुछ देखा। यहाँ पर आने के बाद आपको समझ में आती है कि सूर्य की कहानी, द स्टोरी ऑफ सनलाइट क्या है, उसको कैसे समझ सकते हैं आप, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे धीरे धीरे जो सन है ना, वो और ज़्यादा ब्राइटर होता चला गया, ये है वो पूरा सन का शेप आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसा अंदर से होता है, वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया। साइड में आएंगे तो राशि जो होती है, जो कन्या राशि, तुला राशि और जितने भी राशि होते हैं ना, उन सब के बारे में स्टार्स के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे होता है। शायद इसको ऑन करने पे ये चलने लगा, देखिए आप, ये चल रहा है अंदर में, और ऐसे चलने के बाद फिर आप अपनी राशि को देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप आते हैं इस साइड में तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्पेस देखने को मिल जाता है। ये है सन, ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं, और मैं अभी खड़ा हूँ पृथ्वी के नीचे। ये पृथ्वी है जिस पे अभी हम लोग हैं, और ये सारे के सारे प्लैनेट हैं, जितना भी अपना सोलर सिस्टम है उसमें जितने प्लैनेट्स हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत बहुत खूबसूरत है यार, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम का जो एंड है ना, वो भी यहाँ पे समझाया गया है। ये पूरा का पूरा देख, सौरमंडल की जो सीमा है ये पूरा यहाँ पर समझ सकते हैं आप। ये वो मेट्रोइड है, यानी कि उल्का पिंड है जो गिरा था बिहार के मधुबनी में। अंतरिक्ष का पत्थर है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो अपने बिहार में गिरा था। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आना पड़ेगा आपको पटना प्लानिटोरियम,
जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये वो मेन जगह है जहाँ से आप पूरे यूनिवर्स को यहाँ पे ऊपर में देखते हैं, और यहाँ पे लोगों के बैठने का अरेंजमेंट किया गया, चीज़ें बदल गई हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे एक बड़ा सा स्पीकर भी लगाया गया जिससे आपको आवाज़ काफ़ी क्लियर सुनाई दे, और यहीं पर आकर के आप बैठते हैं और पूरा का पूरा यूनिवर्स को एंजॉय करते हैं। पूरी की पूरी टीम है जिन्होंने मास रोवर यहाँ पे बना करके लाया है। मैं अभी चल के आपको दिखाता भी हूँ कैसे कैसे क्या रहा, क्या कुछ सफ़र रहा। बहुत ही डिफ़िकल्टियाँ आई उसको बनाने में, उसको मूव कराने में, उसको कनेक्ट करने में। काफ़ी हम लोगों ने अपने टीम के साथ परेशानियों को झेला, लेकिन सक्सेसफुली हमने उसको रन किया और उसको फुल्ली फाइनल सक्सेसफुली हमने यहाँ पे उसको इस्टेब्लिश किया। हम लोग चलते हैं अपने मार्स रोवर को देखें। हम लोगों ने जैसे यहाँ पे अपना मार्स रोवर बना के रखा है, पूरे व्यू के साथ मार्स पे कैसा व्यू आता है, और हम लोगों ने उसके लिए जॉयस्टिक कनेक्ट किया, और ये हम लोग इससे मतलब इससे पूरा मूव कर सकते हैं। मार्स रोवर बिल्कुल भी ज़मीन जो है ना वो जैसा मंगल ग्रह की है उसी तरह की इसको बनाया गया है, और यहाँ पर भाई जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही वैसा ही हुबहू है ना जैसा होता है। पूरा एक्चुअली पूरा उसका डमी मॉडल है। इसको बनाने में किस तरह की टेक्नोलॉजीज लगी है? इस तरह को बनाने में हम लोग को कोडिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, कोडिंग पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है इसमें, और कुछ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज लगी हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी लगी है जिसमें कैमरा इम्प्लीमेंटेड है, और बाकी सब उसको वाईफाई से कैसे इंटीग्रेट करना है उसको, और उसमें कोड कैसे करना है, कैसे इंसर्ट करना है, उसको हम लोगों ने इसमें प्रोसेस किया ताकि हम लोग उसका एक बढ़िया सा मॉडल रेडी करके व्यूवर्स के सामने रख सके कि आखिर एक्चुअली में मार्स रोवर को होता है कैसा, क्या क्या है। इस सेक्शन में जब आप आते हैं तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल जाती है। विक्रम लैंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आदित्य L1, उसका भी एकदम हुबहू डमी बनाया गया। भाई हमारे साथ हैं जिन्होंने मार्स रोवर बनाने में इन्होंने भी योगदान दिया। बिल्कुल जी, तो देखिए बेसिकली हम लोग मार्स रोवर इसलिए बनाए हैं कि हम लोग दिखाना चाहते हैं कि मार्स पे कैसे हम लोग का गया था और वहाँ पे क्या क्या काम किया था, और हम लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की, और हमारे टीम के मेंबर्स सब यहाँ पे हैं। ये VR है जिसको अभी मैं पहनने जा रहा हूँ, और इससे क्या पूरा मुझे गैलेक्सी दिखेगी। हाँ, मतलब मार्स दिखेगी, मंगल दिखेगा, सिर्फ मार्स दिखेगा। हाँ। अच्छा, जिस सेक्शन में हम लोग, ये मार्स का ही सेक्शन। ओके, हम लोग अभी मार्स रोवर देख रहे थे और अभी भैया के VR से अभी हम लोग मार्स को देखने जा रहे हैं। इसको जैसे ही पहनते हैं ना आप, प्लैनेट मार्स आपको दिख जाता है। ये मैं आगे चल रहा हूँ मार्स के ऊपर, काश कि मैं आपको दिखा पाता किस तरह से ये डोर खुला और मैं बिल्कुल ही स्पेस शिप के ही अंदर हूँ। हमारे साथ यहाँ पे शांतनु भाई हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा डेवलप करा है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो विजुअलाइजेशन है वो सारा कुछ इस VR में फिट किया है ताकि आप इसका एक्सपीरियंस ले सके। अभी ये तय नहीं है कि इसका आपको रोज़ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही अल्टीमेट था। मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था ना भाई कि मैं जा रहा हूँ गड्ढे में। एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। हाँ, मतलब पीपल विल थिंक दैट पीपल इज इनसाइड दैट एनवायरनमेंट, रियल एनवायरनमेंट जैसा है। मतलब मेरे बगल में एक एस्ट्रोनॉट भी था। हाँ, वही मतलब जो एक्सपीरियंस करता है उनको लगता है कि वो एक्चुअली उस मार्स पे ही है। पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो मार्स का था। ये देखिए आप, ये अपना विक्रम लैंडर है जो कि अभी चलना शुरू हो चुका है पृथ्वी पर ही, लेकिन विक्रम लैंडर कुछ ऐसा ही दिखता था। फिलहाल जो है ना ये मार्स में सेक्शन में आने के बाद, मार्स के सेक्शन में इसको यहीं पर क्लोज करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी कुछ बदल चुका है प्लानिटोरियम, जब आप घूमने के लिए आएंगे तो आपको पहले जैसा कुछ भी नहीं दिखने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।